अभी सिक्किम में आया था, भयानक एकदम बादल फट गया था, डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया, बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ, बर्फ पिघला, कई जवान हमारे क्या हो गए, शहीद हो गए। दिक्कत इन घाटियों में यही होती है ना, जम्मू कश्मीर में ना, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहाड़ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, पहाड़, पहाड़ की कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में, लाइन से क्या मिलेंगे सब पहाड़। दो पहाड़ों के बीच में जब कोई शहर बस जाता है ना, तो उसे घाटी कहते हैं। क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। दो पहाड़ों के बीच में जब कोई शहर बस जाता है तो उसे क्या कहेंगे, घाटी। घाटी, दो चार शहर बस जाता है, जैसे मान के चलिए कोई एक जिला है, एक पहाड़ यहाँ है और कोई पहाड़ 40 किलोमीटर दूर है, तो दोनों के बीच में आराम से एक शहर बस जाएगा, तो उस शहर को हम लोग कहते हैं घाटी। क्या कहेंगे, घाटी। तो जम्मू कश्मीर में ना खूब सारी घाटियाँ हैं, खूब घाटी है। देखिए, इन दो पहाड़ों के बीच में एक घाटी, इन दो पहाड़ों के बीच में एक घाटी, समझ आया कि नहीं आ गया, फिर इन दो पहाड़ों के बीच में क्या है, घाटी। तो दो पहाड़ों के बीच का बहुत बड़ा एरिया क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। क्या कहलाएगा, घाटी कहलाता है। और दो पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता जिसमें केवल रास्ता बनाया जा सके, उसे हम दर्रा कहते हैं। दर्रा में केवल आप रास्ता बना सकते हैं, समझ आया, दर्रा की चौड़ाई इतनी ही रहती है, समझ आ गया, जितना क्लासरूम की चौड़ाई है ना, इतने चौड़ा दर्रा रहता है। दर्रा में क्या कोई बस सकता है, हा? तो जबकि घाटी में तो क्या है, शहर ही बस जाता है, पूरा का पूरा शहर बस जाता है। काठमांडू घाटी कहाँ है, नेपाल में। स्वात घाटी पाकिस्तान में है, स्वात घाटी पाकिस्तान। श्रीनगर घाटी इंडिया में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। मनाली घाटी हिमाचल। जम्मू घाटी कश्मीर में। श्रीनगर घाटी कश्मीर में। तो जितना शहर देख रहे हैं, जितना आप अभी जम्मू कश्मीर में शहर देखे हैं, ये पहाड़ के ऊपर होगा कि घाटी में होगा, घाटी में होगा यहाँ पर। लेकिन दिक्कत इन घाटियों में यही होती है ना कि अगर कहीं बारिश हुई ज़्यादा या बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ, बर्फ पिघला, तो ये घाटी पूरा बह जाता है। अभी सिक्किम में आया था, भयानक एकदम बादल फट गया था, डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया, जो लो एरिया में थे तिस्ता बैंड में, कई जवान हमारे क्या हो गए, शहीद हो गए, समझा, अभी लापता हैं, कई लोग मिल नहीं रहे हैं। तो कई ऐसे घाटियों में दिक्कत यही हो जाता है। और हम यूपी बिहार में कोई घाटी वगैरह नहीं, सपाट एकदम, इसीलिए जनसंख्या घाटी में कम होगी, वहाँ जीवन जीना बड़ा मुश्किल होगा, ठंड पड़ेगा, जानवरों की संख्या कम होगी, वही जानवर वही पेड़ पौधे रह सकते हैं जो उतना ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, जनसंख्या भी क्या होगी, कम होगी, लोग वहाँ बसना कम चाहेंगे, बस घूमने के उद्देश्य से जाएंगे, खेती भी क्या होगा, कम होगा। और हम लोग मैदानी क्षेत्र में, ना बाढ़ आएगा, ना तूफान आएगा, ना बर्फ गिरेगा, ना कुछ, खेती खूब जबरदस्त होगा, बंजर जमीन है, पहाड़ पे कौन चीज बोइएगा, अनाज तो जल्दी होगा नहीं, ड्राई फ्रूट वगैरह ज्यादा होते हैं सब, फल वगैरह ये सब चीजें ज्यादा होते हैं सर, अनाज बहुत ही क्या होगा, कम होगा, अनाज क्या होता है, कम होता है। आप हमारे यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं होती,